थ्री टाइम्स हैं कंपैरिजन टू ब्लू वर्ल्ड सिटी जिसका प्लॉट है पाँच मरला का नौ लाख नब्बे हज़ार रुपये का विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस ऑफ कोर्स और यहाँ पे तीस लाख पंद्रह हज़ार का जैसे मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी अबाउट डेवलपमेंट चार्जेस तो उसके हिसाब से तीन गुना प्राइस है तो फ़र्क क्या है आपने एक शायद इंग्लिश की कहावत सुनी हो यू डोंट कंपेयर एप्पल विद ऑरेंजेस मैं स्मार्ट सिटी को एप्पल बिल्कुल नहीं कह रहा और मैं ब्लू वर्ल्ड सिटी को ऑरेंज बिल्कुल नहीं कह रहा लेकिन ये कहावत है इसमें ये बात कहती है कि दो चीज़ें आपस में जिनका कंपैरिजन नहीं पॉसिबल होता उनका कंपैरिजन नहीं करते तो मैं आपकी वीडियो, इस स्टूडियो में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि इनका कंपैरिजन क्यों पॉसिबल नहीं है और दूसरी बात कि कंपैरिजन जो लोग कर रहे हैं वो थोड़ा सा इनजस्टिस कर रहे हैं विद द कैपिटल स्मार्ट सिटी या ब्लोअ सिटी बेशक तो मैं इस वीडियो में आपको डिटेल्स बताऊँगा विद फैक्टन फिगर और जो भाइयों को इन फैक्ट्रेन फिगर में कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी हो तो कमेंट बॉक्स में वो अपने ख्याल का इधार कर सकते हैं मैं सबसे पहले आता हूँ ब्लू वर्ल्ड मैं दो पॉइंट्स बेसिकली एक्सप्लेन करूँगा एक है ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो, जो ओवरऑल लैंड है उसकी जो लोकेशन है एंड सेकंड जो स्मार्ट सिटी में इसकी जो डिवेलपर्स हैं यानी दोनों के जो डिवेलपर्स का डिफरेंस है मेन और दोनों में ओवरऑल जो बेसिक डिफरेंस आता है वो क्या आता है सबसे पहले बात करते हैं जी डिवेलपर की डिवेलपर कौन होता है एक होता है ओनर सोसाइटी का और एक होता है डिवेलपर ओनर कौन होता है जो सोसाइटी को ओन करता है फॉर एग्जाम्पल डी एच ए डी एच एक प्रोडक्ट है डी एच ए आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट ए डब्ल्यू टी जो आर्मी के एक अपना ट्रस्ट बना हुआ है जो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए प्लाट्स जो आर्मी ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ के लिए प्लाट्स उन्हें अलॉट करता है आफ्टर द रिटायरमेंट तो इस अथॉरिटी के अंडर एक सोसाइटी है जिसका नाम है डी ये हो गया ओनर अब आता है डिवेलपर डेलपर कौन होता है डिवेल्पर वो होता है जो सोसाइटी को डिवेलप करता है डिलीवर करता है यानी ज़मीन पे आम आजबान में कहें तो ठेकेदार एक घर का मालिक होता है और एक बंदा ठेकेदार होता है ठेक, मालिक जो होता है वो पैसे पे करता है और ठेकेदार जो होता है वो चीज़ बनाता है बिल्ड करता है स्मार्ट सिटी केस में और ब्लू वर्ल्ड सिटी केस में जो कोर डिफरेंस है वो डिवेलपर का डिफरेंस है डिवेलपर का डिफरेंस है फ़र्क इससे अंदाज़ा लगा लें कि एक बंदा है एक कंपनी है जिसकी पाकिस्तान में पैंसठ साल की हिस्ट्री है तो आप जब प्लॉट बाई करते हैं कि सोसाइटी में आप एक कंपनी का रेपुटेशन भी बाई करते हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी है उसके ओनर्स की मतलब जो ओनर्स प्लस डेवलपर्स की हिस्ट्री मेरे नॉलेज में नहीं है अगर किसके नॉलेज में है तो वो डेफिनेटली कॉमेंट्स बॉक्स में लाजमी शेयर करे तो ये एक बहुत ज़्यादा इंटर बात होगी क्योंकि मेरे नॉलेज में बिल्कुल नहीं मैंने रिसर्च की है लेकिन उनका कोई पास मुझे नहीं मिला स्मार्ट सिटी के जो डेवलपर्स हैं हबीबेक लिमिटेड उनकी पाकिस्तान में एक रेपुटेशन है साठ पैंसठ साल की एक हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम्पल पर लोग कहते हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी और स्मार्ट सिटी एक ही रोड पर वाक़ है तो इन दोनों में कल को प्राइज़ फैक्टर सेम हो जाएगा चलें इस बात को अगर मैं सेकंड मैंकंडली मान भी लूँ तो प्राइस फैक्टर सेम होने के लिए मुझे कोई दो सोसाइटीज़ पाकिस्तान में कंपैरिजन करें जो एक डेवलपर हो उसकी साठ सत्तर साल की हिस्ट्री हो और एक डेवलपर नया हो और फ्यूचर में दोनों प्राइजेस सेम हो जाए एक एग्जाम्पल हो आपके सामने तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स हाजिर है आप लाजमी कॉमेंट करें अब जो बात आती है कोर डिफरेंस आता है वो आता है हिस्ट्री का यानी आप जब प्लॉट बाय करते हैं आप प्लॉट बाय नहीं करते आप अपना इन्वायरमेंट बाय करते हैं नेबरहुड बाय करते हैं फैसिलिटीज़ बाय करते हैं कम्यूनिटीज़ बाय करते हैं इन सारी चीज़ों का ताल्लुक होता है डायरेक्टली डेवलपर से मैं उसकी हिस्ट्री पे इतना फोकस्ड इसलिए कर रहा हूँ कि एक बंदा है एक कंपनी है जिसकी पाकिस्तान में साठ पैंसठ साल की हिस्ट्री है उसके पास रिस्क का मार्जिन या एरर ऑफ मार्जिन बहुत कम है ना होने के बराबर है कि एक बंदे ने जिस लाइट से प्रोजेक्ट में कोई ब्लेंडर होता है उसकी बेस पर उस जो आने वाले प्रोडक्ट हैं वो फ्लॉप हो जाएंगे उनका कोई सर पाव नहीं होगा तो इस वजह से उस प्रोडक्ट के हिट होने के लिए जो ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है उसकी हिस्ट्री डेवलपर की बहुत मैटर करती है स्मार्ट सिटी केस में इसका जो डेवलपर है उसने पास्ट में पैंसठ साल में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पर जो एम टू मोटर जिसके ऊपर ये प्रोजेक्ट वाक्य है वो एच ने बनाया है एम वन एम टू एम फोर फैसलाबाद और जो फैसलाबाद और लाहौरवली है एम एलेवन उसके अलावा मुल्तान एयरपोर्ट मुल्तान मेट्रो कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद पाकिस्तान स्टॉलस बिल्डिंग बैरिया बैरियान टावर कराची एक्सेट्रा एक्सेट्रा डी एच एस पूरे पाकिस्तान के नंदीपुर पार प्रोजेक्ट सिर्फ बहुत ज़्यादा मजीद और प्रोजेक्ट्स हैं मैं अभी गिनवाऊँ तो शायद पंद्रह मिनट की वीडियो सिर्फ इन चीज़ों पर आ जाए कि मेरा पास्ट में मेरे प्रोफाइल पर कौन सी चीज़ें अटैच हैं सेकेंड ब्लूवर्ड सिटी की बात करते हैं तो ब्लूवर्ड सिटी के डेवलपर्स ये मैं ब्लूवर्ड सिटी को आ, कोई आ, डाउन नहीं कर रहा कि उनको डिग्रेड कर रहा हूँ ऐसा कुछ दोनों प्रोडक्ट डिफरेंट हैं दोनों अलग अलग कम्युनिटीज़ की अपील हैं एक अपीली जो मैंने आपके स्टार्ट की दिन बात की थी कि एक चीज़ आप जो प्लॉट बाय करते हैं आप प्लॉट या ज़मीन बाय नहीं करते आप बेसिकली एक लाइफ स्टाइल बाय करते हैं आपके नेबरहुड में कौन आ करेगा आपके सराउंडिंग में अम्यूनिटीज़ कौन सी होंगी आपकी सोसाइटी में इकरा पब्लिक स्कूल होगा या बिगना स्कूल होगा आपकी सोसाइटी में जो शॉपिंग मॉल होंगे वो कौन से होंगे उनका स्टैंडर्ड क्या होगा उनका रोड्स के उनके वहाँ पर रोड्स की विथ क्या होगी बाकी अम्यूनिटीज़ यानी कि सोसाइटी के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी आप बेसिकली पैसों के साथ ये बाय करते हैं अच्छा डेवलपर पे बात वापस आते हैं तो ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो डेवलपर्स हैं मैं अगर पासमेंट के प्रोजेक्ट की मैं गलती ना करूं तो आई थिंक उन्होंने कोई पास्ट में कोई बड़ा हाईलाइटेड प्रोजेक्ट नहीं है जिसको मैं इस वीडियो में हाईलाइट कर पाऊँ मैंने स्मार्ट सिटी के जैसे डेवलपर्स एच जिनका मैंने प्रोजेक्ट हाईलाइट किया कि पूरे पाकिस्तान के डी एच मेट्रोज उसके अलावा मोटरवेज कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद पंजाब असम्बली नेशनल असम्बली उसके अलावा बैर आई कराची एक सेक्टर एक्सेट्रा तो स्मार्ट सिटी अगर कोई इसकी मैनेजमेंट को ब्लेंडर करती है तो अपनी पैंसठ साल की हिस्ट्री के साथ ब्लेंडर कर रही है इसकी एक और एग्जाम्पल ले लें कि आप एक ड्राई फ्रूट्स की शॉप पर जाते हैं दो सिमिलर लुकने वाले ड्राई सिमिलर लुक वाले ड्राई फ्रूट्स आपको बहुत डिफरेंट प्राइजेज में मिलते हैं एग्जाम्पल इसकी है कि सूरजमुखी का जो बीज है और जो चलगोजा है दोनों की लुक् तकरीबन सेम होती है बीज टाइप में छोटे छोटे तो इनमें फ़र्क क्या है एक है छः हज़ार रुपये के जी और एक है शायद दो सौ रुपये के जी दोनों की लुक भी सेम है बिल्कुल इतना फ़र्क भी नहीं है और फिर भी इतना फर्क कॉस्टिंग का वो इसलिए कि जो चलगोजे का दरख्त होता है वो फल देना शुरू करता है सौ साल बाद यानी आप अगर आपकी मैं प्लांट करता हूँ तो मेरी अगली जनरेशन या मे भी अगली जनरेशन उसका फल खा सकेगी सूरजमुखी क्या होता है कि हर साल एक उसकी फसल होती है रेडी यील्ड है एक्स्ट्रा यील्ड है ज़्यादा यील्ड है उसकी बहुत ज़्यादा यूजेज है बट पॉइंट टू से इस एक चीज़ की हिस्ट्री है और एक चीज़ की हिस्ट्री नहीं है सेकेंडली दोबारा इसी बात को मैं मजीद हाईलाइट करूँ अगर हिस्ट्री की बात को तो इसकी हिस्ट्री सा देख लें कि इस्लामाबाद में एक सेक्टर है जी थर्टीन जी थर्टीन वन टू थ्री फोर इसके चार आगे सब सेक्टर्स हैं वहां पे चार मरला प्लॉट की कीमत है एक करोड़ चालीस लाख रुपए उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे मैं उसका स्क्रीनशॉट भी साथ लगा दूंगा उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नस्ट है नस्ट के ऑपोजिट साइड पे जो छोटी सोसाइटी बनी हुई है वहां पे आठ मरला थर्टी बाय सिक्सटी या सात मरला कह लें आठ मरला कह लें थर्टी बाय सिक्सटी डबल स्टोरी घर तकरीबन आपको एक करोड़ पच्चीस एक करोड़ तीस लाख का मिल जाता है एवरेज जिसकी रेंटल वैल्यू शायद जी से ज़्यादा है क्योंकि वो नस्ट के सामने है वहां पे हॉस्टल्स बनते हैं रेंटल वैल्यू ज्यादा है फिर भी उस प्लॉट की या उस घर की वैल्यू क्यों कम है एज कंपेयर टू जी फोर्टीन जी थर्टीन वजह सिर्फ और सिर्फ जी थर्टीन इज ओन्ड बाय सी डी एंड एच थर्टीन दैट स्पेसिफिक पार्ट इन फ्रंट ऑफ नस्ट यूनिवर्सिटी दैट इज एंड ओनड बाई एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी और एनी रेप्यूटेबल डेवलपर सो इस वजह से वहां पर रेट्स और वहां पर रेट्स बहुत फर्क पड़ता है अब लोग कहेंगे यार जी और एच का कंपेरिजन गलत कर रहा है तो गलत कर रहा है क्योंकि एच और जी बिल्कुल सेपरेट सेक्टर्स हैं तो किसी और सेक्टर का मैं कंपेरिजन करता हूँ G13 थर्टीन और जी फिफ्टीन जी टी रोड जो पिशावर रोड है टक्सला रोड उससे अगर इस तरफ देखें तो जी थर्टीन जी फोर्टीन है उस तरफ जरकून हाइट की बैक साइड पे इस्लामाबाद में जो लोग वाकिफ़ हैं इस्लामाबाद से उनको इस चीज़ का पता होगा तो जी फिफ्टीन में जो रेट है इस वक्त कनाल का वो है एक करोड़ पाँच लाख से लेकर एक करोड़ पंद्रह लाख एक करोड़ बीस लाख में भी और जी फोर्टीन में गेन रेट है एक करोड़ चालीस लाख चार मरला का एक तरफ पाँच गुना बड़ा प्लॉट रोड कश्मीर हाई जी रोड के एक तरफ इस तरफ एक इस तरफ रेट का फ़र्क पांच गुना का प्लॉट का साइज रेट सॉरी एक करोड़ चालीस लाख का चार मरला जी थर्टीन में और दूसरी तरफ जी फिफ्टीन में एक करोड़ पांच लाख से लेके एक करोड़ पंद्रह लाख बीस लाख का प्लॉट आपको एवरेज मिल जाता है एक कनाल का डेवलप्ड पोजेशनेबल रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन प्लॉट इन बोथ सोसाइटीज फ़र्क क्या आया एक तरफ पांच गुना कम रेट्स हैं एक गुना पांच गुना पांच गुना कम साइज है और जो रेट्स हैं वो दस बारह लाख पंद्रह लाख महंगे हैं और एक तरफ पांच गुना बड़ा साइज है प्लॉट का चार गुना सॉरी चार गुना बड़ा साइज है प्लॉट का पांच मरला और बीस मरला तो चार गुना बड़ा प्लॉट होने के बावजूद उसका रेट जो है वो एक करोड़ पांच से एक करोड़ बीस लाख क्यों है बिकॉज वन सोसाइटी इज ओन्ड बाय जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी दट इज़ अ कापरेटिव हाउसिंग सोसाइटी यानी कि इस्लाबाद में जिस तरह नॉर्मल सोसाइटीज़ होती हैं उसी तरह सोसाइटी है और एक सोसाइटी ओन करता है सी डी ए कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ओन करती है और एक कोई रैंडम जो आप कह लेंगे कापरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है वो ओन करती है हालाँकि ब्लू वर्ल्ड सिटी का और स्मार्ट सिटी का कंपेरिजन इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों सोसाइटीज़ का आपस में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है ब्लू वर्ल्ड सिटी या स्मार्ट सिटी का चक्री रोड पर जो सिर्फ गैप है वह है तरीबन सात से आठ किलोमीटर का आमने सामने सोसाइटी बिल्कुल नहीं है और चक्री रोड की जो वेट है सिटी की जो मोस्टली गेट्स हैं वो आएंगे उसके चक्री रोड पे चक्री रोड की वेट है हार्डली फोर्टी से 45 फीट इससे ज़्यादा वेट नहीं है ये भी चौधरी थैंक्स चौधरी निसार क्योंकि गवर्नमेंट में रोड बन गया अदरवाइज रोड भी एग्जिस्ट नहीं करता था दूसरी तरफ स्मार्ट सिटी जो है उसकी लोकेशन है कि एक तरफ उसको एम टू मोटरवे लगता है और एक तरफ उसको चक्री रोड प्लस रिंग रोड का इंटरचेंज मेरा शिफ़ इंटरचेंज और प्लस दोनों के आपस में कम्यूनिटीज़ का फर्क मैं आप गिनवाने लगूँ तो शायद यहाँ पे बहुत देर हो जाएगी एक तरफ सोसाइटी है जिनका गेट माशा बहुत अच्छा बना हुआ है ब्लू सिटी का और एक तरफ सोसाइटी है जिसका गेट बिल्कुल अच्छा नहीं बना हुआ लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो सोसाइटी की जो चीज़ें यूज़ करनी होती हैं गेट पर किसी इंडिविजुअल ने आगे घर नहीं बनाना किसी ने आगे रहना नहीं है हॉर्स मस्कट पर किसी इंडिविजुअल ने घर नहीं बनाना उस पर किसी ने रहना नहीं है अच्छा है गुड लुकिंग है टूरिस्ट स्पॉट है दैट्स इट इससे आगे यूज नहीं है स्मार्ट सिटी में आ जाएं एक भी बंदा स्मार्ट सिटी में अभी तक रहता नहीं है मस्जिद फिर भी रेडी है एक भी बच्चा स्कूल स्मार्ट सिटी में पढ़ता नहीं है छः किनाल का स्कूल ग्राउंड प्लस फाइव रेडी है एक भी घर अभी स्मार्ट सिटी में नहीं है एक्टिव दस दस कनाल के जो प्लाजे हैं एक दस कनाल का एक तेईस कनाल का एक छियासठ कनाल का जो छियास कनाल का सारा तो ऑफिसेज हैं बाकी जो तेईस uh, कनाल का प्लाजा है वो प्योरली फॉर फॉरिजेंशियल अपार्टमेंट्स जिसकी कंस्ट्रक्शन के बेसमेंट की दो बेसमेंट बन भी चुकी हैं और दूसरी तरफ दस कनाल का प्लाजा लेक्यू हाइट्स बेसमेंट ग्राउंड वन टू आई थिंक थर्ड फ्लोर पर उनके ग्रे स्ट्रक्चर पर काम हो रहा है तो कम्यूनिटीज़ का फ़र्क यह है कि दोनों सोसाइटीज़ दो में उनका जनरल ब्लॉक और इनका जनरल ब्लॉक दो में लॉन्च हुए थे वहाँ पर जनरल ब्लॉक की सिर्फ बैलेटिंग हुई है पोजेशन नहीं आया तो नौ लाख नब्बे हज़ार रुपये देखिए अगर आप प्लॉट बाय कर रहे हैं तो आपको तो अपनी तीर नहीं मार रहे आप सिर्फ एक चीज़ बाय करें आप एक जिसकी अभी तीन चार साल में एक्जिस्टेंस मार्केट में नहीं आई दूसरी तरफ अगर तीस लाख दे पे कर रहे हैं तो आप एक ब्रांड बाय कर रहे हैं कम्युनिटी बाय कर रहे हैं एक नेबरहुड बाय कर रहे हैं एक कम्युनिटी बाय कर, कर रहे हैं जिसकी मैं गिनवाने लगूँ फैसिलिटीज़ यहाँ पे तो शायद लेट हो जाएगा ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी ओवरऑल इस्लाबाद में अगर ब्रांड्स देखें तो डी एच ए के बिल्कुल अपोजिट जराज अब जराज हाउसिंग सोसाइटी आप रेट्स का कंपेरिजन गूगल कर लें या जमीन डॉट कॉम इज़ अ ब्लट ब्लस प्लेटफॉर्म टू चेक आप इस पर वर, वर्क कर लें तो आपको आइडिया मिल जाएगा ऑलस पे चेक करें रेट्स तो आपको गैप नजर आ जाएगा तो अगेन डेवलपर की अपनी एक लाइन लेंथ होती है उसकी अपनी एक हिस्ट्री होती है अपना उसके पास एक रेपुटेशन होती है अपना हिरार की सिस्टम होता है मैंने डेवलपर को इतना ज़्यादा कम, आपस में कंपेयर इसलिए किया है कि एक तरफ सोसाइटी है जिसका सारा कुछ इन हाउस है लेबर इंजीनियर आर्किटेक्ट सब कुछ एम्प्लॉयड है यानी कि मुलाजिम है कंपनी का एक तरफ सोसाइटी है जिनको आउटसोर्स करना पड़ता है फॉर एग्जाम्पल मैं रिजवान चीमा सोसाइटी का मालिक हूँ मैं ठेकेदार नहीं हूँ मैं मशीनरी हायर करूँगा जैसे मलिक रियाज बैरिया टाउन में बिल्डर है ठीक है लेकिन उसको हायर करने के बनाने के लिए मैं बैरिया टावर कराची जरूरत पड़ी हबीब रफीक लिमिटेड की क्यों क्योंकि उस कैलबर का जो पाकिस्तान के स्काई काइसक्रीपर है उसको तैयार करने के लिए एक ही कंपनी पाकिस्तान में थी जिसका प्रोफाइल उससे मैच करता था बनाने के लिए तो कंपेरिजन करने का मकसद सिर्फ ये था कि जो मैंने स्टार्ट में वीडियो की बात की थी ये डोंट कंपेयर एप्पल विद ऑरेंजेस के एक तरफ माल्टा और एक तरफ सेब है दोनों कंपैरिजन नहीं है मैं किसी को माल्टा नहीं कह रहा किसी को सेफ नहीं कह रहा बट ये चीज़ें फैक्चुअल हैं आप फैक्ट्स में अगर किसी बंदे को कोई एतराज़ हो तो या किसी भाई कोई बात बुरी लगी हो तो मैं मदद खुवाऊँ uh, मैं जस्ट कंपेरिजन कर रहा था ऐसे आप डी एच ए का कंपेरिजन कर लें किसी भी सोसाइटी से गुलबा का कर लें बहरिया कर लें छोटी मोटी सोसाइटी से गुलबा के अपोजिट देख लें आपके है जुडिशल कॉलोनी कोई फ़र्क नहीं मतलब जुडिशल कॉलोनी का रेट देख लें गुलबा का देख लें ज़मीन आसमान का फर्क है गुलबाग के अंदर जाने के बाद आप गुलबाग में एटलीस्ट ग्यारह बारह किलोमीटर अंदर जाए तो जो Uh, जो मेन एक्सप्रेस वे पर रेट है जो डिशल कॉलोनी का वही रेट आपको अंदर जाके 10-11 किलोमीटर अंदर जाके मिलता है गुलबाग का वजह क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांड नेम है एक अम्यूनिटीज़ की जो एक ब्रांड नेम होता है उसके साथ आपने बताया कि सर्कुलेशन में आप बहुत सारी चीज़ें बाय करते हैं आप लाइफ स्टाइल बाय करते हैं आप लाइफ स्टैंडर्ड बाय करते हैं आप नेबरहुड बाय करते हैं आपने कभी नहीं देखा होगा कि छोटी मोटी सोसाइटी में आपका नेबर हो जो मतलब बहुत अच्छा नेबरहुड हो ऐसा नहीं होता हमेशा जो अच्छा नेबरहुड होता है वो हमेशा एक्सपेंसिव होता है तो ये रीज़न है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी और स्मार्ट सिटी का आपस में कोई कम्पेरिजन नहीं है तो एक मतलब मैं इस कम्पेरिज़न को बनाने की वीडियो बेसिकली मकसद ये था कि ब्लू वर्ल्ड सिटी को खुदा ना खास्ता मुझे ईवन किया था डिग्रेड करना था ऐसा कुछ ब्लू वर्ल्ड सिटी इज ऑल अबाउट कि जिसकी एक टोटल पैरामीटर्स डिफरेंट है ब्लू वर्ल्ड सिटी टारगेट करता है हमारी मेजॉरिटी मार्केट को जो पाकिस्तान की मेजॉरिटी मार्केट है वो है हमारी सेवेंटी फ़ाइव से एटी परसेंट जो हमारे मुल्क की आवाम है जिनकी ज़रूरत है छत तो छत के लिए जितना सस्ते वो प्लॉट ऑफर कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनके लिए वो फिजिबल है बट आपको वो लग्जरी वो लाइफ स्टाइल वहाँ नहीं मिल सकता जो आ, स्मार्ट फिल्म को मिल सकता है क्योंकि एक मशहूर कहावत है कि नो प्रोडक्ट इज़ फ्री इफ समथिंग इज़ फ्री यू आर द प्रोडक्ट थैंक यू सो दिस इट फ्रॉम टे अगर आपको स्मार्ट फिनी बुकिंग के बारे में कुछ मालूम चाहिए तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवानी मा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़